मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, उसने बताया हम इधर रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक काम करना, जिनके यहाँ भी रहते हो उनसे सुबह मेरी गाड़ी का नंबर पढ़वाना और उनको बोलना कि मेरे को कॉन्टैक्ट करें अगर हटवानी हो तो। पार्किंग स्पेस से बहुत चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है। ओए अपना बच्चा ले जाओ रे, अपना बच्चा ले जाओ, और अपना बच्चा ले जाओ, ले बेटा ले जाओ। क्या बेच रहे हो तुम, क्या कर रहा था अभी, करके दिखाना एक बार, दोबारा करके दिखाना प्लीज, करियो। मैं तो कोई भी हूँ, तो वो करियो अभी जो कर रहा था। ऐसे क्या था, 10 का क्या, 10 का आम। दोबारा करना वैसे जैसे अभी कर रहा था। हाँ तू तो घबरा रहा है यार। Okay. कौन से स्कूल में हो तुम, शाबाश पढ़ते रहो। राम राम भाई, सभी लोगों को वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का दिन थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट हुआ, अभी तो मैं हॉस्पिटल था, जो जैसे अपना सिस्टम हो रहा है तो इसमें क्या है, एक हफ्ते तक बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और क्लीन वगैरह करना पड़ता है, बट तो मैं, मेरा घर 5 मिनट दूर है यहाँ से, तो मैं कहा थम ही करो। मतलब हॉस्पिटल वाले अच्छे लोग हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, तो ये खुद ही कह देते हैं कि भाई इन्हें भी पता है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, आई एम वेरी लेजी, तो इतने अच्छे खुद ही फ़ोन करके याद दिला देते हैं मेरे को कि सर आप आ जाओ और सारी चीज़ें हम ही कर देंगे, मतलब ये क्लीनिंग वगैरह मेरे बस की तो कहाँ है, और ना मेरे घर वालों के बस की, देखो सही बताऊँ तो सब आलसी हैं। आज हमारा दिन स्टार्ट हुआ थोड़े अलग ढंग से, एक छोटे से कलेश के साथ, कलेश तो नहीं कहूँगा मैं उसको कहूँगा मैं छोटा सा बैंटर, अभी मैं बताता हूँ बैंटर क्या हुआ। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे माथे पे भाई याद नहीं आया एकदम से, याद तो था भी मेरे, तेरे माथे पे अपने नाम की सजाए, तेरे माथे पे बिंदिया अपने नाम की सजाए, मे बी दिस कैन बी, आई डोंट नो द एक्चुअल लिरिक्स, अभी याद थे यार, पता ना गया, तुम्हारी गैल भी हुआ है कि कई बार हो कि गाना गाते गाते भाई तुम्हें वर्ड भूल गए, इतना इजी गाना जो तुम्हें गाते थे उनका वर्ड भूल गए एकदम से। चलो मैं कलेश पे आता हूँ, तुम लोग मुझे पता है तुम बहुत कलेशी लोग हो, तुम लोगों को कलेश सुनने में बहुत मजा आता, देखने में बहुत मजा आता, हम भी करा करते थे एक टाइम पे बहुत कलेश, अब हमने छोड़ दी। तो भाई क्या होता है, कहानी शुरू होती कल रात से, गांव की बात है मेरी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे। तो भाई रात ने जितने बजे भी आया मैं, 12:30-1 बजे मेरे को जगह ना मिली, फिर रोड पे मुझे जगह मिली, रोड पे मैंने गाड़ी लगा दी, रोड पे सरकारी, तो एक कोई आदमी बैठा हुआ था बाहर का, ड्राइवर था, कहता कि ये गाड़ी हटा लो भाई साहब। मैंने कही गाड़ी क्यों हटा लें वैसे, ये तो बताओ सर, तुमने कही कि ये मेरी पार्किंग है। मैंने कहा अच्छा रोड तुम्हारा है, कह रहा हाँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मैं भी तुम्हारे रोड पे ही हूँ, मुझे भी तो हटा दो। तो कहता नहीं, यहाँ गाड़ी हमारी खड़ी होती है, हमारी खड़ी होंगी सरकारी रोड पे। मैंने कहा ओके। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, उसने बताया हम इधर रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक काम करना, जिनके यहाँ भी रहते हो उनसे सुबह मेरी गाड़ी का नंबर पढ़वाना और उनको बोलना कि मेरे को कांटेक्ट करें अगर हटवानी हो तो। उसने बोला नहीं आप अभी हटा लो। तो मैंने फ़ोन निकाला दूसरा, उसकी फ़ोटो ले ली। मैंने बोला मैंने कि आपको पता है मैंने आपकी फ़ोटो क्यों ली है, कह रहा कि नहीं। मैंने कि पता है मैं बताता हूँ, मैं कल सुबह आऊँगा और मेरी गाड़ी चेक करूँगा, मेरी गाड़ी में कहीं खरोच मिल गई, पंचर मिल गई, हवा निकली हुई मिल गई, तो मैं तुमको उठा लूँगा। तो ये कह के मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया गुड नाइट, गाड़ी का ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। तो आज सुबह होती है, हम जा रहे होते हैं, उनके मालिक साहब आते हैं कि गाड़ी यहाँ पे मत लगाना, थोड़े बुजुर्ग हैं। तो हमने बोला बिल्कुल आगे लगा लेंगे आपने कही। तो उनने फिर बोला कि आज के बाद यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला ओह दिस हर्ट मी, मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। मैंने कही सर अपनी उसमें बताओ सर, आप प्यार से बोलेंगे हम गाड़ी हटा लेंगे, आप प्यार से नहीं बोलोगे तो आप गाड़ी को हटा लेना। तो उन्होंने बोला ओ तू बहुत बदमाश बना है, ऐसे ऐसे।
तेरी गाड़ी की हवा निकाल दूंगा। मैंने कहा हवा निकाल देना, हम आपकी गाड़ी फोड़ देंगे। तो कहता ठीक है। मैंने कहा ठीक है फिर, स्पेस बना लेना, जगह नहीं मिली मैं तो लगा दूंगा। ऐसा नहीं, मुझे जिद है कि मेरे को उतरना ही, मेरे बस ये है कि बाई चांस मुझे अगर जगह नहीं मिलती तो क्या पता मुझे लगानी पड़ जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं मिलती जगह, बट कोई नहीं, जगह तो सबकी है। तो बात जिद की नहीं है कि गाड़ी वहाँ लगानी है यहाँ लगानी है, छोटी बातें हैं, इन चीज़ों पे मैं लड़ता भी अच्छा नहीं लगता। बात इस चीज़ की है कि इज्जत की है, इज्जत दो इज्जत लो, है ना। हमने किसी से खैरात में तो ले नहीं रखी इज्जत कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट कर देगा, इतना तो है। तो एक हाथ से इज्जत लो, एक हाथ से इज्जत हम दे देंगे। प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें बनी रहनी चाहिए। हम एक बारी में आपकी बात मान गए थे, फिर आपने गलत बोली मुझे, बट इट्स ओके, जाने देता हूँ मैं ऐसी चीज़ों को। अभी मैं जा रहा हूँ एक बारी दिल्ली, मेरे को छोटा सा काम है घर वालों के साथ, मामा की साइड, कि मेरे मामा जी से मुझे कुछ काम है तो दिल्ली चले, उसके घर वालों से मिलवाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। अभी मैं वॉशरूम में हूँ, ठीक है, मुझे मूतना है, कैसे मूतूँ देखो, सारे ऑफिस की छुट्टी होती है, सब कुछ होता है इसी टाइम पे, तो जो भी करना हो भाई रात को 12 बजे के बाद करो, या करो ही मत, ये दिल्ली का कोई काम ही मत रखो, ना गुड़गांव का रखो, दूर रहो एक दूसरे से। भाई अभी अभी मेरे मन में एक बात आई, कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा इधर आ रहे, कैमरा इस साइड है तो देखो इस साइड घूम के आ जाते हैं। आजो कटारी आओ, आओ फुटेज में आओ, आप फुटेज खाओ, आओ थोड़े से फुटेज में आओ अंदर। भाई मेरा, मेरे को बताना कि मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड स्टार्ट कुकिंग, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे शौक चढ़ रहा है कुकिंग करने का। अब तक एक गार्लिक ब्रेड के अलावा आपने क्या खिलाया बता दो एक बार? गालियां लात घूस टोंट टोंट सारा अच्छी तरह के ये, और इनका जहर कितना भरा इनके अंदर है, जहर की बातें क्यों करते हो? हाँ ये भी है, डरते नहीं हो क्या? मैं कह रहा हूँ भाई देखो, कुकिंग की कोई एज नहीं होती, कुकिंग का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है ना, प्यार प्यार का जेंडर होता है, ठीक है ना, हमारी का तो है। तो मैंने सोची है कि अब से ना भाई एक्सपीरियंस बढ़ेगा लाइफ का यार, आपको चार चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी, नई चीज़ें खुल रही है, नई मार्केट खुल रही है आपके लिए, एक्सप्लोर कर सकते हो आप कुकिंग लाइन को भी, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप के हाथ में टेस्ट है या नहीं है, प्लस आपकी कभी शादी होगी तो आपकी वाइफ भी खुश रहेगी, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा लग रहा है आलसी आदमी के मुंह से सारी बातें सुन के। तो मैं कल से कुकिंग स्टार्ट करूँगा, मतलब घर में ट्राई करके देखूँगा कि क्या बना सकता हूँ मैं, मेरे को कितना आता है, मसालों का कितना ज्ञान है मुझे, सारी चीज़ें मैं करूँगा। तुम्हें पता ही थी मैंने लफड़ा हो गया मेरा, बताऊँगा अभी ऑफ कैमरा, लफड़ा हो गया ऑन कैमरा बताया मैंने, एक लफड़ा हो गया मेरा छोटा सा, वैसे ही है उस पर पार्किंग स्पेस के ऊपर। Oh my God. हाँ, और अभी अभी अब मैंने एक छोटी सी चीज क्रिएट भी करी है जो कि आने वाले टाइम में क्या पता थोड़ी बड़ी हो जाए, तो 9 महीने बाद आई है वो। हाँ यार मुझे लगा ट्वीट डालोगे अभी। किस चीज का ट्वीट डालो? लफड़ा हो गया आ रहा हूँ यार। अर्चित तू तो ह्यूमरस नहीं बचा आप, ठीक है, तो ये ह्यूमंगस है बस। कल वाले ब्लॉग में मैं पूरी जर्नी बताऊंगा, सारे लोग पूछ रहे भाई क्या हो गया, मैंने शेयर भी करी थी जो हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, वो मैं पूरी शेयर करूंगा कल, कैसे क्या है क्या नहीं है सारी चीजें पता लग जाएगी। मेरी बताना, मैंने भी तो बाल दिया आपको अपने बदनाम अर्चित लिख दो, बदनाम अर्चित कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो, बदनाम अर्चित, ये जहाँ देखे इसको मुंह पकड़ के इसका नोचा करो और फिर बोला करो बदनाम अर्चित। ठीक है, अगर मैं इस पे 3 सेकंड और कैमरा रखूंगा नहीं कुछ बोलेगा नहीं, देखो मैं पॉइंट मार सकता हूँ बस। मैं सिर्फ लोगों को हंसा सकता हूँ जी, मैं बस लोगों को बहला सकता हूँ जी, दिल बहला सकता हूँ मैं। वाओ हैप्पी, मुंह में क्या बढ़ गया बाल, किसी का होगा सर का। अब मैं ये कैमरा रखना चाहता हूँ, मैं यही कैमरा रखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तो इसके अलावा क्या कर सकता। अरे बोल लो भाई कुछ।
होपलेस कर देते हैं वैसे कैमरा, खाली काउंटर मार सकूं, ठीक है। अब भाई मैं, तुम काउंटर मार सको, मैं तुझे मार सकूं, ठीक है भाई। इसको कबीले में छोड़ के आऊंगा, अभी वहीं से लेके आए थे इसको, इसको पका रहे थे वो लोग, सॉरी ये लोगों को पका रहा था उधर ना, तो इससे लोगों को बचा के लेके आए, ठीक है जी। हैं अभी एक बार घर जाऊंगा, और एक बार जरा मैंगो शेक पीना किसी ने? हाँ, ये कैसे बता आपको? तो जाओ जूस काउंटर पे जाके पी लो, यहीं बना लेना, यहीं बना लूँ। चलो भाई मैंगो आपको सब बनाना चाहिए, जो जो भी ऑर्डर आ जाओ। मैगी खाओगे मेरे हाथ की? नहीं, रात को 11 बजे मैगी खाएंगे, मैंगो शेक पियेंगे। मैंगो शेक बना, आओ। नहीं यार, मैंगो शेक की जगह कुछ और मांगना भाई, आप बना दो मेरे लिए ट्रफल। एक बात बताऊं, माँ की कसम खा के मेरे मन में आ रही, तेरे घर वाले ने खाया कर ट्रफल? आज तक खाया है? हाँ ना मर्दे, आज तक ना खाया इसके घर में किसी ने? कौन आ रहा मेरा, कौन है? ओहो, मम्मी का फोन आ रहा, दूसरी वाली का। हाँ मम्मा, हाँ 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 भाई। भाई तुम्हें पता है, पार्किंग स्पेस से बहुत चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्यों खड़ी है, ये तो चलो दूसरी जगह, ये रोड है प्रॉपर, बट ये रोड मेरा भी नहीं है, ये रोड किसी और का भी नहीं है, ठीक है। जगह है अपने गाँव में, मैं दिखाऊँगा नहीं वो जगह, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि भैया एक गाड़ी के चक्कर में, एक पार्किंग के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। तो जितना मन चाहे आप कूल रहो, समझे, कूल रहो। चलो जी, गाड़ी में बैठते हैं अपने, निकलते हैं घर। आज देखते हैं भाई, जगह मिलती है पार्किंग की नहीं मिलती, अगर वहाँ मिलेगी तो वहीं लगा दूँगा, ना मिली तो ना सही। अब किसी को रात को जगा के अपनी ईगो सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते कि ये मेरी गाड़ी इधर लगेगी उधर लगेगी। अब तो मैं एक चीज़ सीख गया हूँ यार, ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में इग्नोर ही कर दी जाए ना तो बहुत बेटर है, क्या पता क्या चीज़ क्या रूप ले ले आने वाले टाइम में, है ना। तो छोटी बातें इग्नोर करके चलो, आगे जाओगे लाइफ में थोड़ा और। अभी मेरा जी कर रहा है यार फन फ्लिप्स खाने का, जी कर रहा, जी तो मेरा बहुत कुछ चीज़ों कर रहा, माँ की कसम कि क्या क्या खा लूँगा, आइसक्रीम खा लूँ, पर टाइम होना चाहिए, 24/7 पर रुकूंगा, देखूंगा कुछ बढ़िया मिलता होगा ना तो करते हैं उसकी कार्रवाई सेट, ठीक है जी। बाकी अपनी साइट है एस्ट्रोजी और क्राफ्ट्स बाय एस्ट्रोजी, उस पे जाके आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, बस चेकआउट करना हम पे जो जो चीज़ें हैं जो दिए हैं हमारे पास, काफ़ी जो लिमिटेड पीसीज हैं, ठीक है ना। और जो पूजा पाठ में ना मानता हो, जिसको पता ना हो भैया कि कौन सी पूजा कहाँ से करानी है, कौन सी पूजा चल रही है किस बड़े मंदिर में, काशी में कौन सी पूजा चल रही है, अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो भी सारी चीज़ हम पे हैं, ठीक है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा हो कि भैया, जिसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, वो वहाँ पे जाके सब चीज़ मिल जाएगी आपको, आप पूजा में भी पार्ट ले सकते हो, सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके एक बार जाके चेकआउट करके आओ और हमें बताना कि भाई कैसा लगा हमारा आइडिया। अब तू मेरे कब्जे में है, अब कहाँ जाएगा तू, अब कहाँ जाएगा तू, हैं? छोड़ इसे, छोड़ बंदर, ओ बंदर वहाँ कहाँ जाओगे तू, गिर जाओगा। ओए अपना बच्चा ले जाओ रे, अपना बच्चा ले जाओ, और अपना बच्चा ले जाओ, ले बेटा ले। अपनी सुबह होगी भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।